संडे था और काफ़ी कॉल आए तो, और आपको काफ़ी वीडियो भी आए, क्या बताना चाहेंगे कुछ? कल एक्चुअली पहला संडे नहीं था, पहले एक्सक्यूज हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी हिंद दोस्तों, मैं पहले आपको प्यार भरा स्टार्ट दूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ बोलूँ। कल पहला संडे नहीं था, कल दूसरा संडे था। पहला संडे तो मैंने सरप्राइज दिया लोगों को कि 4 से 6 के बीच में मैंने डायरेक्ट कॉल उठाया, तो हर कोई सरप्राइज हुआ। कल सेकेंड संडे था और ट्रिमेंडस, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया लोगों से बात करके। लेकिन ऐसा हो गया कि 2 घंटे के अंदर, बोलते हैं ना कि जितने लोग कॉल लगा पाए वही मुझसे बात कर पाए, और मैंने कुछ 43 आई थिंक, यस 43 मैंने 43 कॉल्स अटेंड किए, और ऑल वाज वेरी गुड। और फ़ोन पे जो मिस कॉल थे, इट वाज आई थिंक 335 मिस कॉल, देख सकते हैं, हाँ 335 मिस कॉल। ओके, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों से, किसी स्टार ने भी ऐसा नहीं किया होगा जो अपने अपने फैंस से बात करे, उनको वो मौका दे, और ये एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वे था। मतलब आपके कुछ फैंस भी होंगे, कुछ रुदाद ले गया होंगे, तो कैसा आपने, कैसे उन लोगों के फैंस को कैसे आपने ट्रीट किया, और जो लोग आपके जो अपनी परेशानियों के साथ आए थे उनको कैसे की? पहली बात, जो परेशानियों वाले कॉल थे, मैंने उनको कहा कि आज हमारी तरफ से कॉल बैक होगा उनको, और आज मैंने आते ही ऑर्डर दिया है, जिनको भी मैंने केस फाइल लिखा हुआ है तो उनको आज हमारी तरफ से कॉल बैक जाएगा, और हम उनकी पूरी मदद करेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जो फैंस हैं, जो लविंग फैंस थे, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उनको मुझसे बात करनी थी, जो आप लोगों ने सुना होगा कल के लाइफ में, जो मैंने फैंस की बातें सुनाई कि उन्होंने मुझसे बात कर लिया तो उनको खुदा मिल गया और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, बहुत मज़ा आया वो। और आज बॉलीवुड की बातों में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर स्टार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि अपने फैंस, जो फैंस होते हैं ना, फैंस जो हमें चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, जो रियल में हमें चाहते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो अब शुरुआत है कि मैं मेरे फैंस से इंट्रैक्शन शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसके बाद में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, बहुत कुछ। अरे बेटा, सोचा है क्या? बहुत कुछ सोचा है, इसके आगे मैं बहुत कुछ करने वाली। इन फैंस ने जो कनेक्टिविटी शुरू हुई है, अभी सिर्फ कनेक्टिविटी शुरू हुई है, इसके बाद में मैं वो महल तैयार करूँगी, वो महल, वो बोलते हैं ना, जैसे मेरे इस रिंग में पिरामिड बना हुआ है, कैन यू सी इट, इस रिंग में पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड, तो मैं ऐसा पिरामिड रेडी करूँगी कि जो मेरे फैंस हैं। अब तुम देखो, यूट्यूब पे गंदे कमेंट्स मारे होते हैं क्योंकि वो हायर कुत्ते होते हैं, वो हायर किए हुए कुत्ते होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोज़ आर टिपिकली हायर। लेकिन जो रियल फैंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो रियली जो आपको चाहते हैं वो ऐसे होते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है, और मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। इतना टाइम आप कैसे निकालेंगे कि फैंस के लिए भी, फिर ये जनता दरबार सजा हुआ है, आज भी देख रहे हैं कि 200-300 लोग कम से कम। हाँ, ये ट्रू है कि डेली 200-300 लोग आते हैं मिलने के लिए, और मुझे अटेंड करना पड़ता है। मेरे को लगता है आप सोई भी नहीं है बहुत। क्या करे, देश के नाम कर दिए जिंदगी। अब
कैसे अपने लिए कब टाइम निकालेंगे आप? जैसे आपने कहा फैंस के लिए मैं एक पिरामिड खड़ा करूंगी, तो वो कैसे होगा जब आप जनरल दरबार से जाके बैठी हैं, आपके पास वक्त नहीं है यहाँ तक कि हमसे बात करने का? करेक्ट. ये सबसे बड़ा सच है कि मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाती हूँ. तुम लोग कॉल करते हैं तो मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाती. आई एम रियली सॉरी बेटा फॉर दैट. ये इवन शैलेश की मेरी कंप्लेंट है कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ, फोन नहीं उठाती हूँ. कॉल करते कितने सारे. हाँ तो चलिए, वो आपने अच्छा किया है कि आपने इतने लोगों की सुनी है. पर मैं चाहती हूँ कि जो जो कमाते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कमाते हैं तो एक MLM नाम के बिजनेस को आपने सुना होगा, MLM. तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करूँगी जिससे जो नॉन वर्कर हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो काम करना शुरू करें. जो मेरे फैंस को मैं चुनूँगी, उनके जो नंबर्स आएंगे, जो हम टैली करके एक डेटा बनाएंगे, चाहे वो कहीं से भी हो, उनको हम किसी ना किसी तरीके से एक बिजनेस में प्रोग्राम करूँगी. यू मस्ट बी नोइंग आई एम एन MBA, राइट? तो मैं बेसिकली लॉ तो मैंने मजाक में पढ़ लिया, इसलिए IPC के सारे सेक्शन खोपड़ी में बैठ गए. अब क्या है, ज़्यादा गुस्से वाली हूँ मैं, अब बॉडी भी देखो एकदम पत्थर है. 10 साल हो गए जिम का मुँह नहीं देखा. कोई मुझे आया था वार मारने, चेहरा ख़राब करने, सल्ला मारने जा रहा था, मैंने उसी का चाकू छीना, उसको ही चीर फाड़ कर दिया. क्या करूँ मैं, हुआ तो मेरे साथ बहुत कुछ है. लेकिन बोलते हैं ना, सबकी दुआएं मेरे साथ में, मालिक बोलते हैं ना, अल्लाह की दुआ है साथ में. और तो इतना जल्दी नहीं टपकूंगी. आज भी कोई फायदा उठाता है नहीं आपसे? आज जैसे कि लोग लाइव भी आपको गालियां देते हैं, फिर बहुत मोहब्बत भी करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बीच के होते हैं फायदा उठाने वाले. देखो, जो लाइव गाली दे रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं उनको जवाब दूं, उनको वो पब्लिसिटी मिले. और वो मुझे गाली दे रहे हैं इसलिए पब्लिक सुन भी रही है कि वो शबनम शेख को गाली दे रहा है, अभी आपा क्या करने वाली है. तो वो फिर एपिसोड पे एपिसोड बनते जा रहा है. और वो है भाड़े पे लिए हुए टट्टू, समझे आप, किराए के टट्टू है. तो वो तो, उनको दूसरा काम है नहीं, क्योंकि वो हायर किए हुए, तो वो तो बोलेंगी उनको पैसे मिल रहे उस चीज से, दे आर पेड फॉर इट. तुमको उसमें से एक भी बंदा जेन्युइन लगता है? हाँ बता दो मेरे को, आवाज से बताओ, मुंडी इलाके नहीं, आवाज से बताओ, एक भी बंदा जेन्युइन लगता है? नहीं, करेक्ट ना? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, वो सब पॉलिटिकली पाले हुए कुत्ते हैं. तो इन कुत्ता बिल्लियों की बातों को हम नज़रअंदाज करके इनको बोलने दें जितना इनको बोलना है. देखो, वो 2% की लौंडिया पूछती है कि कुरान कहाँ नाजिल हुई और किस जगह पे नाजिल हुई, उसका लेखक कौन था, जैसे कि कविता है वो, उसका लेखक कौन था. अरे बदतमीज़, तेरे में इतनी तमीज़ नहीं है. और पहली बात तो तू इस तंजे से नहीं रहने वाली, तू एक काफिर, लाहौल लाखुवद काफिर, लाएतबार काफिर, लाएतबार काफिर, लाएतबार, समझी तू? तेरी औकात नहीं है कि तुझे मेरे मुंह से वो बात सुने कि ये कहाँ कुरान शरीफ नाजिल हुई थी और कुरान शरीफ नाजिल किस तरीके से हुई थी और किस जगह पे हुई थी. मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे कुरान शरीफ मायने के साथ पढ़ने आती है. बेटा, तू 2% की हिंदू लड़की मुझसे पूछेगी कि कुरान शरीफ के बारे में, मैं तुझे बताऊँ? एक काम कर, तुझे इतना ही जानने का शौक है ना, तो किसी मुल्ला से शादी कर ले, किसी मौलाना से शादी कर ले. और ज़्यादा सुरूर हो ना, इतना तेरे बदन में गर्मी बहुत आ गई है ना, तो ठंडी कर ले खुद को, डूब मर कहीं. अब कल आप लाइव आई थी शाम में और एक दाढ़ी वाले को आपने काफी प्यार से गाली दी. हाँ, वो जो वीडियो हमारे पास था ना, वो वीडियो एक्चुअली था हमारे पास पुराना. चलो ठीक है, उसको जवाब तो हमने दी, लेकिन उसका लेटेस्ट वीडियो आपने देखा नहीं और उसमें ज्यादा डीपी में जाऊंगा नहीं. हाँ. मैं वीडियो दूंगा, लेकिन वो 3 चीज का इशारा है ना जो हमारा, वो इशारा, वो सवाल का जवाब मांग रहा है. जैसे हमने आपको के ये और फिर ये, तो तीनों का इशारा का उसने कुछ बोलते ना नॉन वेज में भाषा में आपको बोला,
तो उसको वो भाषा में जवाब चाहिए। उस लंबे बाल वाले का नाम तो उसने अभी तक का बताया नहीं है, साला हिजड़े का बच्चा, उसने अभी तक का बताया नहीं है। और उसकी माँ का भूसड़ा उसकी, क्यों, वजह क्या है, वजह क्या है, ए, सीन ये है कि उसने सिर्फ उसने मुझे दाऊद की क्या बोला, जो कि उसकी माँ होगी रखेल, वो बोल रहा है मुझे, तो और दूसरा उसने क्या बोला मेरी बेटी के बारे में, तो उसका पूरा खानदान धंधा करता होगा, तो इसलिए उसके दिमाग में आ रहा होगा जो मेरे बच्चे के बारे में पूछ रहा है ना, कि कब धंधे पे उतार रही है, तो उसका पूरा खानदान जब धंधा कर रहा होगा तभी ना वो पूछ रही है, तभी वो पूछ रहा है। अफजल इधर आओ, यहाँ से सबको उठाओ, यहाँ से सबको बोलो कुर्सी पे बैठने के लिए, और ये जो आगे खड़े हुए हैं ना गुप्ता, इनके साथ वाले सबको बिठाओ, ये सारे नंबर्स को पीछे भेजो। वो चाह रहा है कि हम जो वोट से यहाँ काम करते हैं ना, हाँ, वो हमारे इशारे को गलत लेके बोल रहा है, ये जिसे ये हमारा टोकना, हाँ, टोकना। तो उसको वो जरा उसको इशारे बताओ कि वो जो गलत इशारे ले रहा है, हाँ, उसको इशारे बताओ। अभी देखो हम जो ठोक बजा के काम करते हैं ना, तो कैमरे को जरा बेटा उस तरफ, तुम दोनों जन कैमरे को उस तरफ घुमाओ और वह पब्लिक दिखाओ, ये पब्लिक देख रहे हैं बैठे हैं कि जिनको मुझे सुनना है वहाँ से वहाँ तक, और इस कैमरे भी भी ले लो, चौथा नंबर कैमरा भी ले लो, कि तू देख कि लोग किस तरह बैठे हैं। और हम लोग इस टाइम बात बताते हैं भूखने वाले हिजड़े, तू तेरा पूरा खानदान धंधा करता, ये तूने साबित कर दिया, इसलिए तूने मेरी बच्ची के बारे में पूछा। तेरे धंधे वाले खानदान, तुम 30 रुपये 40 रुपये वाले लोग, हिंदू क्या होता है, ये भी हिंदू लड़की है, तू है ना हिंदू लड़की, 100% है, तू उसके पक्ष में क्या बोलना चाहेगी जो उसने बोला? ये सब खाली उसकी पब्लिसिटी है बोलने के लिए, और ये हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इसलिए ये सब कमेंट्स पास कर रहा है। जेन्युइन लगता है तेरे को बंदा? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी वो जेन्युइन नहीं लगता। चलो बाकी कुछ इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी चीज़ प्लान कर रही हूँ मेरे फैंस को लेके, और जिससे उनको लाभ मिलेगा, एक इनकम मिलेगी, और वो ज़रूर कुछ कर पाएंगे। आप आज का कोई इशू ऐसा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम, लोगों को लेके जो आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी सॉल्व हो रही है, सबकी सॉल्व हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम। कोई मैसेज अपने फैंस को? मेरे फैंस को ये मैसेज कि YouTube में नीचे जो गाली देता है ना, उसको सबक सिखाओ, ट्रोल करो।